हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। सेल्फिश का दीवाना सलमान का डॉगी। सलमान अपने पेट डॉग के साथ घर में टीवी देख रहे थे और एमटीवी चैनल पर उन्हीं के फिल्म का गाना सेल्फिश आ रहा था। सलमान का डॉगी इस गाने के आने पर काफी देर तक निहारता रहा। सलमान ने लिखा, ओएमजी मेरा लव सेल्फिश गाना देख रहा है। एकता पहुंची अजमेर शरीफ। एकता कपूर फिल्म वीरे दी वेडिंग की सफलता के लिए अजमेर शरीफ माथा टेकने पहुंची। एकता बुलंद दरवाजे से सिर पर चादर और फूलों की टोकरी रख दरगाह के लिए रवाना हुई। सभी ने सजदा करके गरीब नवाज से दुआ की। शादी से परेशान सलमान। सलमान से पूछा गया कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि सलमान खान की शादी अब हो जानी चाहिए। सलमान ने कहा, बार बार शादी का सवाल क्यों पूछते हैं? शायद इसलिए कि मेरा जवाब कहीं हाँ में ना बदल जाए। गुरुद्वारे पहुंचे सोनम आनंद। सोनम और उनके पति आनंद आहूजा दिल्ली के एक गुरुद्वारे में गए। दिल्ली के नानकसर गुरुद्वारे में सोनम ने अपने फैंस के साथ सेल्फी भी ली। ऐश्वर्या की डिश से परेशान अभिषेक। अभिषेक को ब्रोकली पसंद नहीं है। उन्होंने लिखा, वाई आई मीन हु एवन लाइक्स ब्रोकली। इसके बाद ब्रोकली खाते हुए अभिषेक ने यह बताया कि उनकी पोस्ट ऐश्वर्या ने पढ़ ली थी और उसी का नतीजा है कि उन्हें फिर से खाने के लिए ये मिला। बॉलीवुड में मिथुन की बेटी दिशानी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक्टिंग सीख रही है। लगता है कि वो बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रही है। दिशानी बेहद खूबसूरत है। खूबसूरती में जानवी कपूर और सारा अली खान को भी पीछे छोड़ देती है। बिग बी ने मिलाया 150 लोगों से हाथ। अमिताभ बच्चन ने बताया, मैंने कुछ घंटों में लगभग 150 से हाथ मिलाया। मैंने DIS के स्नातक समारोह में भारत के भविष्य से हाथ मिलाया। ये सम्मान और सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड फिल्म अवार्ड। पहला उत्तराखंड फिल्म अवार्ड विनोद गुप्ता द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया। इस अवार्ड शो में आए हुए मुख्य अतिथि सिंगर उदित नारायण, पहली उत्तराखंडी फिल्म के निर्माता पारेसर गौड़ ने इसकी अध्यक्षता की। विघ्नहर्ता गणेश के 200 एपिसोड। सोनी टीवी के शो विघ्नहर्ता गणेश के 200 एपिसोड पूरे होने पर एक पार्टी रखी गई जहां पूरी स्टार कास्ट और क्रू मेंबर मौजूद थे। इस शो को लोग खूब पसंद करते हैं। भावेश जोशी का फिल्म प्रमोशन। भावेश जोशी सुपर हीरो के प्रमोशन को लेकर हर्षवर्धन ने मुंबई के एक मॉल में लाइव परफॉर्मेंस किया और खूब मस्ती की। ये फिल्म 1 जून को रिलीज होगी। म्यूजिक टीचर जूही चावला। जूही चावला एक कन्नड़ फिल्म में म्यूजिक टीचर के किरदार को निभाने जा रही हैं। उन्होंने लंदन के भारतीय विद्या भवन से अपनी संगीत की क्लासेस ली हैं। व्हीलचेयर पर नागिन डांस। करिश्मा श्रीदेवी की फिल्म नागिन के गाने मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा पर डांस करते हुए नजर आ रही। करिश्मा वीडियो में फराह खान की व्हीलचेयर पर बैठकर डांस कर रही है। माधुरी जैकलीन का 1-2-3। माधुरी दीक्षित टीवी शो डांस दीवाने में जैकलिन के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी। शो का पहला एपिसोड 2 जून को प्रसारित किया जाएगा। गार्डन सिटी में फैशन गाला। बेंगलुरु में सितारों भरा फैशन गाला हुआ जहां कीर्ति खरबंदा, श्रीसंत, जया राम, कार्तिक, रूही जैसे कलाकारों ने रैंप पे जलवे बिखेरे। ये फैशन शो 2 दिन चला। जॉन करेंगे कॉमेडी। जॉन अब्राहम कॉमेडी फिल्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कोई मुझे अच्छी कॉमेडी वाली स्क्रिप्ट में नहीं ले रहा है। मैं कॉमेडी को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं और इसे करना चाहता हूं। टीवी पर जिंदगी के क्रॉसरोड्स। जिंदगी के क्रॉसरोड्स में हर एपिसोड में नई कहानी दिखाई जाएगी। राम कपूर इस शो के होस्ट होंगे। इस शो का प्रीमियर 6 जून को होगा। गुरु रंधावा का सिटी टूर। बॉलीवुड के मल्टी सिटी टूर की शुरुआत की गुरु रंधावा ने। गुरु ने अपने फेमस गाने जैसे बंजा तू मेरी रानी, पटोला और लाहौर जैसे गाने से अहमदाबाद और भुवनेश्वर के लोगों का दिल जीत लिया। बोल्ड और ग्लैमरस कृष्णा। कृष्णा ने अभी तक फिल्मों में एंट्री नहीं की है, लेकिन अपने फोटोशूट को लेकर अपनी एक अलग पहचान बना पाने में कामयाब हुई है। कृष्णा श्रॉफ बॉलीवुड में डायरेक्टर या फिल्म मेकर के तौर पर आना चाहती है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।